नमस्ते दोस्तों, उषा विलेजपुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आए हैं, देखिए घर के बगल में थोड़ा थोड़ा जो है झल्ला लगाए रहते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। तो करेले में फूल और फल दोनों लगे हुए हैं, देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो इसे हम तोड़ेंगे नहीं, आज आप लोग थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। तो सुबह के समय दोस्तों देखिए राख छिड़क देते हैं तो इसमें कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते। तो इस तरफ देखिए चिचिन्हा दोस्तों झल्ला लगाया गया है और दूर दूर तक फैला गया है इसका गवा, और इसमें बहुत ही बड़े बड़े फरे भी हैं। तो ये देखिए सर्फ की तरह होता है, बहुत ही बड़ा एकदम हरा हरा हल्का हल्का, देखिए सफ़ेद सफ़ेद रहता है, बहुत ही अच्छा इसका दोस्तों कलौजी और सब्जी बनती है, सूखी ही बनती है, रसेदार भी बनता है। तो चलिए आप लोग और दिखा देते हैं, उसके बाद तोड़ेंगे। ये वाला चिचिन्हा एकदम अच्छे से तैयार हो गया, इसे हम तोड़ लेंगे। ये देखिए इसे बहुत ही आराम से तोड़ेंगे, जैसे दूसरा ना टूटे बगल से, ये हमने तोड़ लिया है। तो और अभी छोटे छोटे आप लोग दिखाएंगे और इसके फूल भी दिखाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक लगते रहिएगा। तो चलिए इस तरफ से निकलते हैं। तो इस तरफ चलिए आप लोग बैठ कर दिखाते हैं अब कितना ढेर सारा जो है भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अभी खाली लंबा हो गया है, अभी बहुत काफ़ी मोटा होगा और इसे हम तोड़ेंगे नहीं। चलिए जो मोटा रहेगा वही तोड़ेंगे, इसे मोटा होने देते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को अच्छा लगा हमारी वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए इसे हम तोड़ेंगे, ये काफ़ी बड़ा है, ये हम तोड़ लेते हैं। चिचिन्हा का फूल दोस्तों सफ़ेद सफ़ेद होता है, देखिए रुई जैसा एकदम है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और देखिए छोटे छोटे जगह निकल रहे हैं इस तरफ से। और चलिए अभी इसे हम तोड़ लेते हैं। तो दो हमने तोड़ लिया, एक और हम तोड़ लेंगे, हमारी जरूरत के हिसाब से हो जाएगा। अरे आशीर्वाद मैंने दे लिया, खूब बढ़ो फूलो फलो। तो एक यहाँ पे है, इसे हम तोड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलेंगे घर पे, आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी आप लोगों को बनाकर दिखाएं। तो एक गुरु जी हैं दोस्तों हमारे पति जी, ये पढ़ाए हुए थे और इसलिए हमें इनको कह रहे हैं कि रख लीजिए हमारे निशानी के लिए, हमेशा याद करते रहते हैं। तो हमारे ससुर जी को भी पढ़ाए हैं, हमारे पति जी को भी, हमारे देवर लोग को भी, इसलिए हमारे वीडियो में रहेंगे, हम लोग देखेंगे। हम इन दोनों को आशीर्वाद देते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें। तो कढ़ाई में हम मिट्टी का लेव लगा लेते हैं। तो कढ़ाई को रख देते हैं, हल्का सा सूख के गए। तो चिचिन्हा लेकर हम आ गए हैं चूल्हे के पास, तो चलिए इसे दो तीन टुकड़ा कर लेते हैं, उसके वजह से अच्छे से पहले से। तो बहुत ही नरम कट रहा है, ये देखिए इतने बड़े बड़े काट दिए हैं। अब इसे हम पहले धोएंगे, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो एक एक लेकर अच्छे से हम इसे मलेंगे। तो धोने के बाद पानी को हम पसा देते हैं। तो चिचिन्हा का हम बनाएंगे भरवा चिचिन्हा। तो देखिए इस तरीके से हम काटेंगे, तो इस तरीके से हम काट लेते हैं। तो इस तरीके से हमने काट दिया हुआ है, देखिए थाली बहुत ही भरी भरी दिखाई पड़ रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी इसके हम छिलके आप लोग दिखाएंगे कितना पतला इसका छिलके होता है। तो अंदर हल्का हल्का थोड़ा बहुत बीज है और देखिए फूल जैसा ये भी भरा हुआ है, हल्का सा है, बहुत ही खोखलू है, बहुत ज़्यादा नहीं भरा हुआ है। तो चलिए इसके हम बीज को निकालेंगे इस तरीके से। देखिए उंगली से हमने साफ कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से पहले हम पूरा साफ कर लेते हैं। तो इसके बीज हम फेंक देंगे, बहुत ही टाइट लखाई पड़ रहा है। तो चक्कू से भी आप लोग साफ कर सकते हैं, पर उंगली से बहुत ही अच्छे से साफ हो रहा है। इस तरीके से आप लोग हल्का सा छिलका उतार सकते हैं, पर बहुत ही महीन होता है छिलका, देखिए। तो हम उतारेंगे नहीं, ऐसे ही बनाएंगे, छिलका नहीं उतारेंगे। तो एक पानी हम और धो लेते हैं इसके। तो अच्छे से हमने धो लिया है, अब इस थाली में हम रखेंगे। छोटे छोटे हमने आलू लिया हुआ है, इसे भी अच्छे से धो लेते हैं। आलू को भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया हुआ है। अब हम चूल्हे में आग को जलाएंगे। तो आग हमारा अच्छे से जलने लगा है, अब इस पे हम रख देते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई में हमें आलू और चिचिन्हा को हम उबालेंगे। तो पहले नीचे हम रख देंगे आलू को, तो इसके ऊपर से हम रख देंगे चिचिन्हा को,
तो चिचिन्ना जो हमारा पक जाएगा हल्का सा, तो चिचिन्ने को निकाल लेंगे और आलू को थोड़ा सा समय लगेगा तो उसे हम थोड़ा सा और पका के उसके बाद निकालेंगे। तो पूरी कढ़ाई हमारा देखिए भर गया है, अच्छे समय से ढक कर जो है उबालेंगे। तो देखिए इस तरीके से कर देंगे तो जगह हमारा एडजस्ट हो जाएगा, ये देखिए इसी तरीके से हम कर दे रहे हैं। तो अब हम पकने के लिए डाल देते हैं पानी, तो देखिए हल्का सा गर्म हो गया। तो चलिए इसे पानी डालने के बाद इसे हम ढककर और उबालेंगे अच्छे से। ढक्कन हटा कर देख लेते हैं और उबल रहा है ये, तो हल्का सा हम पलट देंगे जो ऊपर वाला है, ये भी अच्छे से पकने लगेगा। तो चलिए दोबारा ढक्कन हटा कर आप लोग देखते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा से नरम नरम दिखाई पड़ रहा है। एक निकाल कर देखते हैं, अरे यार ये तो गिर गया। तो एक एक करके हम थाली में निकाल लेते हैं, काफी ये अच्छे से आधा से ज्यादा हो गया है। तो आराम से निकालेंगे जैसे टूटे ना, तो हाथ से निकाल लेते हैं, कलछुल से निकालने में थोड़ा समय लगता है। चलिए आलू चेक करके बताते हैं हुआ है कि नहीं। तो हल्का सा भी और आलू को हम पकाएंगे, आलू भी हमारा पक चुका है, चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो पानी हमने देखिए ज्यादा डाला हुआ था, तो बहुत ही अच्छे से पका हुआ है और पानी पूरा देखिए खत्म हो गया है। तो चलिए हाथों में हल्का सा पानी लगाकर और छिलके को उतारेंगे। तो इस तरह के सारे छिलके पहले उतार लेते हैं, अभी गर्म है। तो आलू छिलके उतारने के बाद हम मसाले को भी तड़के को भी तैयार कर लेते हैं। तो प्याज के छिलके उतार लेंगे, अब हम लहसुन के छिलके उतार लेते हैं। प्याज लहसुन मिर्चा को भी हम छोटे छोटे टुकड़े में जो है काट लेते हैं। तो वही कढ़ाई में हम दोबारा डाल देते हैं सरसों का तेल तड़का लगाने के लिए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, जीरा तड़का लगा देते हैं। तो जीरा तड़का लगाने के बाद लहसुन मिर्चा प्याज को इसको हम डाल देते हैं। तो इसे हल्का सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो आलू को हम हाथ से तोड़ देते हैं। तो हरी मटर लिया, इसे हम अच्छे से धो लिया हुआ है, अब इसे हम डाल देते हैं। तो अब हम आलू को डाल देते हैं, अच्छे से इसे हमने मिला दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम पनीर भी डालेंगे, तो इसे हम काट लेते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो है हम काट लेते हैं। सब्जी मसाला थोड़ा सा हम डाल देते हैं, सब्जी मसाला डाल कर हल्का से चला देते हैं। तो मसाला डालने के बाद अच्छे से हमने धीमी आंच में भुना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा देखिए अब कलर आ गया है। तो अब इसके ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ा सा पनीर, पनीर डालकर हम हल्के हाथ से चलाएंगे। तो अब हम इसे हम हल्का सा पकने देते हैं। तो अच्छे से हमने भून लिया हुआ है, तो चलिए इसे हम उतारते हैं कढ़ाई को और उसके बाद हम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद नमक डालेंगे। तो इस बर्तन में हम पलट लेते हैं जिसमें हमने पनीर काटा हुआ था। बहुत ही अच्छे दोस्तों इसमें खुशबू आ रहा है। तो ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद ही नमक डालेंगे। तो अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, ठंडा हो गया है। ठंडा हो जाता है दोस्तों तभी नमक डालते हैं, नहीं तो गीला गीला हो जाता है। अब अच्छे से नमक को मिला देते हैं। देखिए अब इसमें हम स्टफिंग को अब भरेंगे, तो हाथों से अच्छे से हम भर देंगे। ये देखिए दोनों साइड अच्छे से भर देंगे दबा दबा कर, उसके बाद हम थाली में इसमें रखेंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट दोस्तों ये रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया। इसे ऐसे भी खा सकते हैं ना, परेठा पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। इस तरीके से बना रहे हैं तो आप लोग लगते रहिएगा। तरीके से देखिए भर भर के हम रख रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट मतलब आग पे रख सकते हैं, तावे पे पहले रख कर अच्छे से सेट कर देंगे उसके बाद में। तो आधा हमने दोस्तों पकाया हुआ है, तो पकने में समय नहीं लगेगा ज़्यादा। तो थोड़ा सा टाइट हाथ से दबा दे रहे हैं जिससे भरा भरा रहे एकदम अच्छे से। तो ये देखिए फ्राई पैन हमने रखा हुआ है, इस पर हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, तो अब चलिए इसे हम रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों भरवा इस तरीके से हमारा बनेगा। तो बहुत ज़्यादा तेल हम नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही हल्का हल्का तेल में दोनों साइड अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से हम घुमा देंगे। तो इस तरह का थोड़ा सा चूल्हा हम इस तरफ कर देते हैं और चलिए एक एक करके हम पलटेंगे। देखिए इस तरफ बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है।
किनारे से पलटते हैं। तो बहुत ही आराम से पलटेंगे और वो अच्छे से पलटा जाएगा। ये वाला देखिए तो अच्छे से पलटा गया है। अब इसे हम हल्का हल्का इस तरह से हम तेल डाल देंगे। तो इस साइड भी अच्छे से पकने देते हैं। तो भरवा दोस्तों हमारा बन गया है हल्का से, इसे एक बार एक दो बार और पलट देते हैं, देख लेते हैं। उस साइड अच्छे से पक गया है, बस ये देखिए पलट देते हैं। इस साइड हमने थोड़ा सा ज़्यादा पकाया हुआ है, कब पकाएंगे तब भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, खाने में भी और ऐसे भी बहुत बढ़िया। तो चिचिन्ना भरवा हमारा दोस्तों बनकर तैयार हो गया है, देखिए आप लोग दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और अच्छे से पका हुआ है, बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद भी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसे रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, पराठा के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं साग के आराम से। आज हमने बनाया हुआ है चिचिन्ना का दोस्तों भरवा, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।